Hello, Namaste, and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today, I'm going to share with you how I transform my old trunk into this beautiful coffee table, or you can use it as a storage box. So yes, without any further ado, let's get into the video. But makeover start karne se pehle, let me show you the before look of the trunk. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लोहे का ट्रंक है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ट्रंक था, जिसके कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया था और कई जगह से इस पर डेंट भी पड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मेकओवर किया जाए एंड इसे यूज़ में लाया जाए। सो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका मेकओवर। तो सबसे पहले मैंने इस ट्रंक की अच्छे से सैंडिंग कर ली है एंड एक वेट क्लॉथ से इसको चारों तरफ से वाइप कर लिया है सो दैट इस पर कोई भी डस्ट ना रहे। एंड देन मैंने एक कोट एक स्मूथ सरफेस के लिए जेसो का अप्लाई कर दिया है। आप यहाँ पे जेसो की जगह वाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जेसो का कोट तो ड्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये गिफ्ट पेपर। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डेको मैजिक ग्लू। आप इसकी जगह पर नॉर्मल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं एंड एक फ्लैट ब्रश जिसकी हेल्प से हम ग्लू को स्प्रेड करने वाले हैं। जब हम ग्लू स्प्रेड करेंगे तो कभी भी हमें एक साथ पूरे सरफेस पे ग्लू को अप्लाई नहीं करना, हमें सेक्शंस में ग्लू अप्लाई करना है। देन साथ के साथ हमें पेपर स्टिक करना है। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट लेना है सरफेस का, उस पर ग्लू अप्लाई करना है, देन पेपर स्टिक करना है। एंड पेपर स्टिक करने के लिए यू कैन यूज़ एनी कार्ड और ड्राई क्लॉथ सो दैट हमारा जो पेपर है उस पर बबल्स या रिंकल ना आए। पेपर स्टिक हो जाने के बाद एक्स्ट्रा पेपर को मैंने सीज़र की हेल्प से कट कर दिया एंड फॉर स्मूथ एजेस मैंने इसकी अच्छे से सैंडिंग कर ली। स्टिकिंग पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लूँगी वॉयलेट कलर और ट्रंक के ऊपर और नीचे के सेक्शन में रोलिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दूँगी। तो ट्रंक के जो कॉर्नर्स थे उसे मैंने ब्रश की हेल्प से ही पेंट किया बिकॉज़ जो रोलिंग ब्रश है वो कॉर्नर्स पर नहीं पहुँचता। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने कलर के दो पॉट अप्लाई किए हैं एंड वायलेट कलर ड्राई हो जाने के बाद अब बारी आती है गोल्डन येलो की। गोल्डन येलो मैंने ट्रंक के पैनल पर, लॉक पर और हैंडल्स पे दो कोट अप्लाई कर दिए। तो कलरिंग पार्ट भी यहाँ होता है कंप्लीट। अब बारी आती है रेजिन आर्ट की। सो रेजिन की रेशो होगी 2:1 एंड उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ट्रंक के टॉप सरफेस पे अच्छे से फैला देना है एंड 24 घंटों के लिए उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। रेजिन अप्लाई करने का रीज़न ये भी था कि अगर इन फ्यूचर ये ट्रंक गंदा होगा तो आई कैन क्लीन इट विद वेट क्लॉथ ऑल्सो। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने ट्रंक मेकओवर के लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेंसिलिंग। मैं यहाँ पे ले रही हूँ होममेड स्टेंसिल, चॉक पेंट, मास्किंग टेप एंड स्टेंसिल ब्रश एंड मैं स्टेंसिल को मास्किंग टेप की हेल्प से अपने ट्रंक के ऊपर इस तरह से स्टिक कर लूँगी। देन स्टेंसिल ब्रश के ऊपर कलर लेकर डैबिंग मोशन में उसे स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई करूँगी। मेक श्योर जब आप स्टेंसिलिंग करें तो उस पर डैबिंग मोशन में ही कलर अप्लाई करें सो दैट जो आपका स्टेंसिल वर्क है वो एकदम नीट एंड क्लीन आए। ओके, सो मैंने यहाँ अपने ट्रंक के चारों तरफ इसी तरह से स्टेंसिलिंग करके उसे कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पे एक लीफ रह गया था जो कि थोड़ा कलर इसका फैल गया था, बट इसे मैंने ज़ीरो नंबर ब्रश की हेल्प से सेम बेस कलर वायलेट कलर लेके क्लियर आउट कर लिया एंड ट्रंक को सालों साल चलाने के लिए एक कोट वार्निश का लगाया एंड टाडा। इसी के साथ हमारा ट्रंक मेकओवर कंप्लीट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड यस, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन।